भारत में एक बार फिर से कोरोना का खतरा मंडराने लगा है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार भी अलर्ट हो गई है। बुधवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने सीनियर अधिकारियों और विशेषज्ञों के साथ बैठक की, जिनमें उन्होंने कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। इस बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का कहना है कि देश में लॉकडाउन की स्थिति नहीं होगी, क्योंकि यहाँ के 95% लोगों को टीका लग चुका है। डॉक्टर अनिल गोयल ने कहा है कि भारतीयों की इम्यूनिटी चीन के लोगों से ज़्यादा मजबूत है। भारत में T3 का ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी कि टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रेसिंग। वहीं पीएम मोदी आज दोपहर 3:30 बजे के तकरीबन समीक्षा बैठक करेंगे और इसके अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी इमरजेंसी मीटिंग होगी। इस बीच अच्छी खबर यह है कि कोरोना के इलाज में काम आने वाली पैरासीटामोल, एमोक्सिसिलिन और साथ ही साथ रेबे पैराजोल जैसी दवाएँ के दाम भी कम होने की संभावना है।